हाँ जी, हुण आपां एक्सरसाइज सैकेंड बी शुरू कर लगे हां। देखो, सो सैकेंड बी विच दो तरह के सवाल है। एक तां ओह जिहदे च आपां प्रूफ करने हुंदे है कि प्रूफ लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिहदे विच आपां इन्हां छे फॉर्मूलियां की हैल्प लवांगे। इन्हां छेयां च कोई मर्जी लग सकदा है, ठीक है ना। तो एक वो जिहदे च आपां सॉल्व प्रूफ सॉरी सॉल्व करना हुंदा है। सॉल्व मीन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। सो पहले आप प्रूफ वाले सवाल सॉल्व करते हैं, जिन्हें भी सवाल बुक है, ठीक है ना। तो प्रूफ वाले सवाल पेपर के पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग चार नंबर पक्का ये आँदी आँदी है। बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है ये वाले टॉपिक के पेपर में आने, ठीक। सो पहला आप सवाल शुरू करते। देखो ये वाला कि कॉस इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स, यदि वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये फॉर्मूला पढ़ चुके बारे सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स, जो दोनों का एंगल सेम हो आंसर बन जाता पाई बाय टू। तो कॉस पाई बाय टू 90, तो कॉस न 90 की वैल्यू होंगी है 0। सो ये बन गया अपना आंसर, ठीक। इस तो बाद सैकेंड सम देखो ये वाला। सो सैकेंड सम फस्ट टाइप प्रूफ डेट वाले, ये पांच छे छे सवाल सिलेक्ट किए हैं। स्टार्टिंग जो चार सवाल टैन वाले ही है, उस तो बाद दो वाले सवाल दो होर सवाल साइन कॉस चेंज किए हुए हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग जो चार पाँच सवाल है वो टैन च क्यों रखे है, क्योंकि पहला टैन च दो स्टेटमेंट आनगी, आनी दो टर्म, फिर तीन आनगी, फिर चार आनगियाँ, ता करके स्टार्टिंग जिन्हें सवाल टैन इनवर्स वाले रखे गए हैं। सो पहले आप सवाल सॉल्व करते हैं जिते सिर्फ दो टर्म ही है। सो ये लैफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, टैन इनवर्स रूट 3/4। सो लैफ्ट हैंड साइड अपन गिवन टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 2/11। सो ये एक्स है, ये अपना वाई है। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाला, हाँ बोला टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट कर दें, टैन इनवर्स फॉर्मूला की है इतने लिख देने, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ठीक, इज इक्वल टू टैन इनवर्स। फिर सॉल्व कर दें बाई एलसीएम, इन दो की मल्टीप्लाई कर दो ते क्रॉस मल्टीप्लाई, 22/11 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस इन दो की मल्टीप्लाई 2/22। फिर इन जरा नीचे वाला पार्ट है वाला, इन सॉल्व कर दें बाय एलसीएम, ये नीचे बंद लगा दो, टैन इनवर्स ये बन जू ऐड हो गए 15/22। 22 सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 22-2 हम आ तो कैंसिल हो गए, ठीक है। सो बचा कि टैन इनवर्स 15/20 ये कैंसिल हो जू 5 टेबल से, सो टैन इनवर्स 3/4। सो यही चीज़ आप प्रूफ करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सो इस टॉपिक का थर्ड सम देखो अपना, ये बड़ा बिल्कुल सेम है, ऐं करना बट ये टर्म तीन आ गई, 1, 2, 3। सो की करेंगे, पहले आप इन दोनों के उपर फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम उही जरा आप इतने लगाया हुआ वै, ये रहा ये एक्स है वाई है। सो लगा दो फॉर्मूला, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाला, इन नाल उम्मीद रखेंगे, ठीक है। हम इधर एलसीएम लवेंगे, इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, टैन इनवर्स 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी ना 15 प्लस 12
डिवाइड 1 माइनस 9 बाय 20। ओके, टेन वर्स 27 बाय 20, ये नीचे 1 लगा के फिर यह एलसीएम लेके सॉल्व करांगे, 20 माइनस 9 बाय 20, ये ना कैंसल हो जू, आ नाल ही रखना पा अगला माइनस टेन इनवर्स 8 बाय 19, इतने भी लिखना सी लिखना भुल गए। ओके, तो टेन इनवर्स 27 इन दोनों माइनस 11 माइनस टेन इनवर्स 8 बाय 19। ठीक, सुन देखो ये इन्हों दोनों उपर फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी सिंगल टर्म बन गया वाली। हुण ये उपर फॉर्मूला लगू टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। सो फॉर्मूला की से अपना देखो, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई उमी सेम, ये जिते प्लस उ माइनस आ जू, जिते माइनस तो प्लस आ जू। ठीक है, सेम आ ही बिल्कुल 27 इंटू 11 इंटू 8 बाय 19। सो यह एलसीएम लैके सॉल्व करांगे, देखो टैन इनवर्स यदा एलसीएम कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 19 है ना, तो सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27 गुना 19 अपने को आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 513, तो 11 गुना 88 इतने प्लस होना। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस, तो 27 गुना 8 अपने को आएगा 216, तो 11 गुना 19 अपने को आएगा 209, इतने 209 ले लो। ठीक है, फिर यदा एलसीएम लवेंगे नीचे वाले का, टैन इनवर्स 513 के 88 माइनस करेंगे 425 बटा 209, तो 209 प्लस 216 बटा 209, 209 ना 209 कैंसल, तो टैन इनवर्स 425 बटा 425 कट के आ गया अपना टैन इनवर्स 1। ठीक है, हम देखो टैन इनवर्स 1 इन प्रूफ की करना पाई बाय 4। ठीक है, हम ध्यान ना देखियो, यदा मतलब ये टैन दे विच ये सोचना कि 1 किन्ने डिग्री से होंगे, पहला मूँ ही जिम्मे सैकेंड एज किया, तो टैन दे विच 1 होंगे 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री उपर लेंगे पाई बाय 4, तो यही चीज आप प्रूफ करनी सी। ठीक, सो जो सम नंबर 4 है बिल्कुल सेम इसे नाल दे, बिल्कुल बस देखो इनू करने दो तरीके बन जाएंगे, जो टू टैन इनवर्स 1 बाय 5 है इनू बस ब्रेक कर देंगे दो टर्म, मतलब टैन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस टैन इनवर्स 1 बाय 5 है ना, प्लस टैन इनवर्स 1 बाय 4 सेम आई सॉल्व बन जू। बिल्कुल बिल्कुल, पहला इन दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करांगे, जिहड़ा इहदा आंसर है उहनू इहदे नाल सॉल्व करांगे। ठीक है, या फिर की करांगे कि टू टैन इनवर्स 1 बाय 5 का एक फॉर्मूला होता टैन इनवर्स के जोड़ा कि आप सैकेंड ए की स्टार्टिंग किया फॉर्मूल की, जो पहला लैक्चर सब तो पहला लैक्चर आप लगाया कि टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होंगे अपने को टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यह फॉर्मूला ये उपर अप्लाई कर देंगे कि टैन इनवर्स 2x कितना 1 बाय 5 है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 बाय 25 आ जाऊ स्क्वेयर, तो इन सॉल्व कर देने पर देखो टैन इनवर्स 2 बाय 5 तो इन सॉल्व करा आजगा 24 बाय 25, तो इन सॉल्व करके अपने को आएगा 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 25 बाय 24 5 आ गया 12 आ गया टैन इनवर्स 5 बाय 12, मतलब यदि जगह पर आप लिखा टैन इनवर्स 5 बटा 12, सिर्फ मतलब इस फॉर्मूले की हैल्प ना सिर्फ अपना इस टर्म रिड्यूस किया,
टैन स्टेटमेंट की बनूगा अपने को, टैन इनवर्स 5/12 प्लस टैन इनवर्स 1/4। फिर ये उपर सिंपल वे ना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके इन रिड्यूस कर दो या इनू ब्रेक कर दो। जो ब्रेक करोगे तो बिल्कुल सेम ये वर्गा बन जाओ, ठीक है ना। ये जिमें इस बात तुम अपने आप ट्राई करना है, भावें आह तरीका अप्लाई करो भावें आह तरीका। आह तरीका जो कर रहे हैं ईजी है, बट कैलकुलेशन लेंथी हो जाऊ, ठीक है। यही तरीका जो तुम करोगे तो थोड़े लिए वधिया रहेगा। हाँ जी, अगला सवाल देखो सम नंबर 5। सम नंबर 5 की है, ये टोटल अपने को चार टर्म है, फिर नाल इन्हों दोनों के उपर फॉर्मूला अप्लाई करांगे, इन्हों दोनों उपर भी इन्हों दोनों उपर भी, फिर जो इन्हों दोनों आंसर होगा उन्होंने दोनों के आंसर उपर भी फॉर्मूला अप्लाई करांगे, ठीक है ना। सो मेन तो अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए है। सो लगा दो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाला, सो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई है ना अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस सेम इधर भी हुई एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक। टैन इनवर्स इन सॉल्व कर देने एलसीएम 35 प्लस 5/12 1 माइनस 1/35 प्लस टैन इनवर्स एलसीएम लवेंगे 24 इतने 11 जो 1 माइनस ओके। सो हम अपना यदा भी एलसीएम लवेंगे, इधर यदा भी एलसीएम लवेंगे, टैन इनवर्स 12/35 ते 34/35 ये कैंसिल हो जाओ, 11/24 24 टैन इनवर्स इनू दोनों भी कैंसल कर दो, दो दे पाड़े दे दो दे टेबल दे 6/17 ठीक प्लस टैन इनवर्स 11/23। हुण आपां इन्हां दोनों दे उपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिंदे आ, ठीक कि टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। सो देखो इन सॉल्व कर देने पर टैन इनवर्स देखो 6/17 तो 11/23 इनू एलसीएम लैके सॉल्व कर दें। सो हाँ एलसीएम लेने आप इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई 17/23, सो 17/23 की मल्टीप्लाई अपने को आऊगी 391, तो 23 दे नाल करांगे अपने को मल्टीप्लाई आऊगी देखो 23/6 138 प्लस तो 11 की कीती 17 दे नाल मल्टीप्लाई 187 डिवाइड बाय 1 माइनस 66/391, ठीक है। तो इन्हों दोनों ऐड कर दे 138 ते 187 325/391 इहदा एलसीएम लवांगे 391 क्रॉस मल्टीप्लाई 391 माइनस 66 आ तो कैंसल हो जूगा, 391 दे विच 66 माइनस करांगे अपने कोल बचेगा 325, सो 325/325 कट के अपने कोल आऊ टैन इनवर्स 1। तो टैन इनवर्स 1 फिर सेम उही गल कि किन्ने डिग्री हुंदा पाई बाय 4 ते हुंदा, तो पाई बाय 4 ही अपन नूं प्रूफ करना सी आ रहा है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सो ये थी प्रूफ वाले सवाल, जिस अपने वो सवाल सॉल्व किए जिस पहला स्टार्टिंग दो टर्म से फिर तीन हो गई फिर चार हो गई, ठीक है। इस तो बाद एक्सट्रा आप दो सवाल होर भी ले आ साइन ते कॉस वाले, बट वो ईजी है, बस मेन तो फॉर्मूले समझने आप, ठीक है ना। उस तो बाद देखो अगला सवाल अपना ये रहा,
साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इन टैन के प्रूफ करना है। ये वो सवाल अपने जिम्मे आप एक्सरसाइज सैकेंड एज सॉल्व की थी। थोड़ा ध्यान देखियो हम इनू प्रूफ करना जिन्हें भी सवाल किए उन्होंने एक गल ध्यान नोट करनी है कि जो इनवर्स वाले फंक्शन आ ये सेम होने चाहिए अपने ये अपने की होनी चाहिए सेम जो साइन है तो आई साइन चो आई साइन चो जो कॉस है आई कॉस चो आई कॉस चो ठीक है ना। तो हम आप सारे फंक्शन की इको जहाँ बनावे हम इको जहाँ बनाने अपन ये बेनीफिट है जो भी थोड़ा फॉर्मूला आता नशियां के जे थोड़ा साइन वाला फॉर्मूला आता है तो चक के साइन च बदल दो जो थोड़ा कॉस वाला फॉर्मूला आता है तो चक के सारी कॉस बदल दो जो थोड़ा टैन वाला आता है तो तुम चक के टैन च बदल दो ठीक है ना। हम जिम्मे आप टैन वाले फॉर्म जिन्हें भी सवाल किए आप टैन च किए तो इन इन्होंने दोनों चक के टैन च बदल दें ठीक है। सो जिमें आप सैकेंड एज किए देखो पहला साइन वर्स 5/13 इन पुट थीटा कर दो साइन थीटा कि हो गया 5/13 हो गया। सो पी की वैल्यू 5 है एच की वैल्यू 13 है जो सॉल्व करेंगे इस बी की वैल्यू किन्नी बन जाऊ 12। सो ये टैन इनवर्स की वैल्यू किन्नी बन गई अपने को टैन इनवर्स मतलब पी बटा बी होंगे ना तो टैन इनवर्स अपने को बन जू 5/12। हम सेम इन भी चेंज कर दें टैन के कॉस इनवर्स 3/5 है आ बी है तो आ एच है तो टैन वास्ते अपन पी चाहिए सो पी की वैल्यू कि 4 आजगी ना। सो टैन इनवर्स उ पी बटा बी लगा के 4/3 ठीक है ना। एक आ रहा तो जे इतने कुछ होर हों मान लो इतने कॉस हों तो कॉस में आप इधर भी टैन च बदल देंगे ठीक है ना। मतलब अपन शिया जो फॉर्मूला आता चंकी तरह आता चेंज कर सकते हैं जो सारे फॉर्मूले आते तो सॉल्व कर दो सिंपल ये तो टैन ही है। सो इट मीन अपनी स्टेटमेंट चेंज होकर बन जाओ टैन इनवर्स 5/12 प्लस टैन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/16। सो सॉल्व कर देने हम अपन लैफ्ट हैंड साइड टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई है ना अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई ठीक टैन इनवर्स इतने 36 15 प्लस 48 एक माइनस 20/36 टैन इनवर्स 63/36 इन सॉल्व करेंगे 16/36 छत्ती में 36 कैंसल सो बचा कि टैन इनवर्स 63/16। सो यही चीज़ आप प्रूफ करनी थी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है ना। इस तरीके ना सवाल करने आप जो किसी ट्रिग्नोमेट्री में आप चेंज करना हो तो मेन आ चीज़ सीखने वाली सी ठीक है। एक होर सवाल देखते हैं नाल ही बिल्कुल हाँ देखो हम ए की है कि अपने कोस भी है ये भी कॉस है ये कॉस है सो आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला फॉलो करा ये बिल्कुल देखो आ वाला फॉर्मूला ठीक है। हम इस सवाल दोनों तरीके सॉल्व करेंगे फॉर्मूले नाल भी करेंगे तो जी अपन टैन वाला फॉर्मूला आता तो टैन चेंज करके भी करा ठीक है। हम देखो कॉस इनवर्स आ एक्स है वाई है आ फॉर्मूला अप्लाई कर दें देखो एक्स इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर मतलब 4/5 16/25 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्केयर 1 माइनस इस स्केयर करा 144 से 169 कॉस इनवर्स इन सॉल्व कर दें 48/5 जो इन सॉल्व करेंगे एलसीएम लैके ये आजगा रूट के 9/25 ये आजगा रूट के 25/169 ठीक है। तो देखो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुना 5/13 कॉस
इनवर्स 48/65 -15/65 तो 33/65 इधर ये आंसर आ गया। तो यही चीज़ आप प्रूफ करनी थी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो देखो मेन तो फॉर्मूला सी कॉस वाला, ये याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले अपने याद होने चाहिए। जो मान लो ये फॉर्मूला अपन नहीं याद होंगे, अपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद है टैन वाला, मान लो है ना टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाला या माइनस वाला, ये दो तो याद करने पैणगे। आप करा इन तिना टर्मां मैं सारे क्वेश्चन टैन च बदल देंगे, की करेंगे टैन दे विच चेंज कर देंगे। देखियो कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है ना, सेम उवें पहला हुई, देखो ध्यान दे नाल किवें। पहला आपां कॉस इनवर्स 4/5 चक लैने इज इक्वल टू थीटा, मतलब कॉस थीटा किन्ना हो गया 4/5 हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला कितना बी बाय एच ही ना, बी बाय एच, सो बी है एच है तो पी की वैल्यू कितनी आई सॉल्व करके 3 आई। सो हम इस तो टैन थीटा की बन जाओ अपना पी बाय बी के अकॉर्डिंग 3/4, मतलब टैन इनवर्स कि आ गया 3/4 आ गया। ठीक, तो फिर आप सेम इस सॉल्व करा है ना, तो कॉस थीटा कि 12/13 आ बी है तो आ एच है। ठीक, तो पी की वैल्यू कि आ गई अपने अपने को 5 आ गई, तो सेम ये होगी टैन थीटा कि आजगा पी बटा पी लिख के 5/12। सो टैन ये अकॉर्डिंग टैन कि बन जू, टैन इनवर्स 5/12 बन जू। ठीक, हूँ इन टैन च बदल दें कॉस इनवर्स 33/65, तो हूँ कॉस इनवर्स 33/65 है ना, इनू भी अपने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू 33/65, बी की वैल्यू 33 है, एच की वैल्यू 65 है, तो सॉल्व करेंगे पी अपन मिल जाए इतने 56। तो इस फिर टैन च बदलो टैन इनवर्स पी बटा बी मतलब 56/33। सो पूरी स्टेटमेंट अपनी चेंज हो जाए टैन में, आ टैन चेंज हो बन गया सी टैन इनवर्स 3/4 प्लस ये टैन में चेंज करके की बन गया अपने को टैन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू आ टैन में चेंज करके अपने को बन जूगा टैन इनवर्स 56/33। फिर आप ये ऊपर टैन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो इस वाल अपने आप ट्राई करने दोबारा। ओके, सो ये अपने फर्स्ट टाइप के सवाल, मतलब मेन गल जे थोड़े फॉर्मूले याद रहेंगे तो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, जे नहीं तो सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आपके मनपसंद फॉर्मूले अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, सो ये अपने फर्स्ट टाइप के सवाल जिस आप प्रूफ करने वाले सवाल सॉल्व किए हैं। सो बहुत ज़्यादा चांस था पेपर के इदा सवाल आ सकन, तो एक तो सवाल आप हो ट्राई कर लेने जिस अपना साइन कॉस अप्लाई कर सकी। हाँ जी, सम नंबर 8 देखो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इनू प्रूफ करना कॉस इनवर्स। सो सारी आप पहला भी गल की सारे फंक्शन सेम होने चाहिए है, सो आप ये उपर साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो जो आंसर है राइट हैंड साइड वाला इनू भी आप साइन चेंज कर देंगे है ना। देखो लैफ्ट हैंड साइड अपनी की है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। सो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सो क्या साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, ये वाला होंगे। ठीक है ना, सो लगा दें साइन इनवर्स एक्स कि 3/5 रूट 1 माइनस यद स्क्र करेंगे 64/289 माइनस वाई 8/17 इधर स्केयर करेंगे 1-9/25। ठीक है ना, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देने आप पूरा
3/5 जो यदा एलसीएम लैके सॉल्व करांगे ना तो यह आज 225/299 जिद अंडर रूट आऊगा 15/17 -8/17 जो इनू सॉल्व करांगे रूट के अंदर आऊ 16/25 जिद रूट आऊगा 4/5 ठीक है। सो साइन इनवर्स 45/85 -32/85 ठीक। तो जिन सॉल्व करेंगे अपने को आंसर आऊगा साइन इनवर्स 13/85। हम ध्यान ना देखियो सारी गल आंसर आ गया पर हम यह जो आंसर कॉस विच चेंज करना है इनू जिमें पहला किया कॉस बदल दें देखियो ध्यान देना साइन इनवर्स 13/85 ना तो आंसर चाहिए कॉस विच सो ही गल फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 13/85 आजगा है ना। मैं पहला स्टेप अपना आऊगा साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू थीटा फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 13/85 85 आ पी बन गया आ एच बन गया ठीक है। तो बी की वैल्यू क्ढनी आप बी का स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर माइनस पी स्केयर सो 85 का स्केयर माइनस 13 का स्केयर ठीक है। इन आप सौखे तरीके सॉल्व करके देखते हैं ये तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी ला दो ठीक है। हाँ कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे जो पर 85 दे 13/98 गुना 13 माइनस करेंगे ना जो है 2/72 ठीक है। तो फिर इधर एक रूट हो जूगा तो ये फैक्टर में 98 दे फैक्टर में 2×7×7 72 ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ 3/2 ਆਊਗਾ 4/8 ਅਤੇ 2/3 ਆਊਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 1, 2, 3, 4/2 ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ 2 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 7/2 ਹੈ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 1 ਰਹਿ ਜੂਗਾ 3/2 ਹੈ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 1 4/12 = 84 ਸੋ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ 84 ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੋਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬੀ ਬਾਈ ਐਚ ਮਤਲਬ 84/85 ਸੋ ਥੀਟਾ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 84/85 ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ। इस तो बाद आप सवाल सॉल्व करा सॉल्व करने वाले ठीक है वो चांस है पेपर में आने। हाँ जी सो हम सम नंबर 9 देखो लैक्चर का कि आप सॉल्व करना है इस इक्वेशन मतलब कि इस इक्वेशन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन की अपनी देखो टैन इनवर्स 2x + टैन इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5/4 है। सो ये उपर लगाओ आइडेंटिटी है ना टैन इनवर्स x + y अपॉन 1 - x * y है ना ए वाली इज इक्वल टू 5/4 क्योंकि ये सॉल्व लिखा हुआ स्टेटमेंट के ही आप दोनों साइड इकट्ठिया लैके चलेंगे जो पहला सवाल किए वो प्रूफ करना सी ताकि लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड आप अलग अलग सॉल्व की है। हम टैन इनवर्स टैन आप इधर मूव कर देंगे राइट हैंड साइड सो बन जू 5x / 1 - 6x² इज इक्वल टू 10/4 मतलब 45 तो टैन 45 होंगे अपने को 1 सो इक्वेशन बन गई 5x / 1 - 6x² इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5x इज इक्वल टू 1 - 6x² ये दोनों टर्म चक के आप इधर मूव कर दें राइट हैंड साइड सो 6x² + 5x - 1 = 0
सो ए बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इन आप सॉल्व कर देने कि देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक। सो देखो बी 25 ए मल्टीप्लाई करके बन गई प्लस 24 बाई 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बोला माइनस 5 प्लस माइनस रूट 49 बाई 12 हो ना। तो देखो ध्यान दे नाल इनू कि माइनस 5 प्लस माइनस 49 का रूट 7 आ जू बाई 12 आ जू। तो इनू आप लिखा एक बार प्लस पा के एक बार आप लिखा माइनस पा के। सो आंसर बन 2 बाई 12 कोमा माइनस 12 बाई 12 इतने माइनस 1 आ जू इतने 1 बाई 6 आ जू। सो एक्स दिन दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो 1 बाई 6 एक माइनस 1। पर ध्यान देखो स्टेटमेंट की स्टार्टिंग उन्हें की क्या एक्स ग्रेटर दैन 0, सो नैगेटिव वैल्यू तो रिजेक्ट होगी। सो अपना आंसर की आऊगा एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 6 ये की आंसर है। ओके सो इसी नाल एक होर सवाल देखो, बिल्कुल इनू भी सॉल्व ही करना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट अपने को गिवन की है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये तो अपना सम नंबर 11 है, सम नंबर 10 कर दें पहले ये वाला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 7, ठीक है। सो देखो ये उपर भी आप आइडेंटिटी अप्लाई करा टेन इनवर्स एक्स इन मतलब इन पूरे एक्स मना ये पूरे वाई मना एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 7, ठीक। हम देखो ध्यान देना सारी कैलकुलेशन इधर टेन के ना टेन तो कैंसल ही हो गया। सो हम बचे अपना ए वाला इनू सॉल्व करना बाय एलसीएम तो इनू ही करा सॉल्व बाय एलसीएम। सो पहला उपरली टर्म का एलसीएम लेने देखो ध्यान देना एलसीएम लेने उ जगह इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके सो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्केयर डिवाइड बाई 1 माइनस तो इन दोनों मल्टीप्लाई करा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बन जू एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। इतने भी एक्स माइनस 1 है, ठीक है एक्स माइनस 1। ओके तो इज इक्वल टू माइनस 7। हम आप इनू सॉल्व करा बाय एलसीएम तो उपर मल्टीप्लाई ओपन करा देखियो एक्स स्केयर प्लस एक्स तो ये उपर आइडेंटिटी लो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी वाली नीचे एक्स इंटू इतनी एक्स माइनस 1 सी आवला एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय इनू सॉल्व कर दें बाय एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 ये कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 इनू ओपन करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो साइन भी आप ओपन करेंगे ना
ब्रैकेट आगे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस सेवन। ओके, तो बचे आगे अपने टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है, ये नीचे वन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस सेवन। ठीक, हम सारे अपना नंबर एक साइड मूव कर देने हैं, माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इतने एक और गलती होगी अपने, तो प्लस एक्स से माइनस टू एक्स, इतने माइनस एक्स होना चाहिए अपने, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस एट एक्स प्लस प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये टू कॉमन ले लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये फैक्टर बना देने अपना, ठीक है। सो ये फैक्टर बन गए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी दोनों बारी, ठीक। सो थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखने ना सवालों के, हम सेम इसी नाल का अगला सवाल देखो बिल्कुल, तो अपना इस टॉपिक का लास्ट सवाल ही है, ये नाल ही अपनी जी एक्सरसाइज सैकेंड बी की है कंप्लीट हो जूगी, ठीक है। सो सेम ये उपर भी आप आइडेंटिटी लगा दें, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाली है ना, इनू एक्स मन्नांगे इनू वाई मन्नांगे, अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो टैन आप इधर मूव कर देंगे, टैन पाई बाय फोर बन जू, तो टैन पाई बाय फोर की वैल्यू वन होंगी है, ठीक है। सो पहला आप लें इन्हों का एलसीएम, ठीक है। सो एलसीएम की होगा, तो देखो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू है ना, दो की मल्टीप्लाई, इन्हों दो की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस, इन्हों की मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपने को आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो नीचे इन्हों दो की मल्टीप्लाई आप इंज रख दें, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टैन पाई बाय फोर, ठीक है। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे हां एलसीएम लै के, तो उपर मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, सो इन्हां दोवां दी मल्टीप्लाई ओपन करांगे, अपने कोल एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू आज है ना, जो एलसीएम तो यही है ना, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, जो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नाल, इधरले पासे सेम आही नंबर आजूगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, जी मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो आही बन जू एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर फोर, ठीक, माइनस तो माइनस ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू वन, आता कैंसल हो जू, ठीक है। तो एक्स नाल एक्स कैंसल हो जू, टू एक्स कैंसल हो जू, तो अपने को बचूगा देखो ध्यान नाल, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर डिवाइड बाय, ये आप कैंसल हो जू, ठीक, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री बचू इज इक्वल टू वन,
थ्री आप इधर ले जाएंगे, टू एक्स स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, फोर इधर ले जाओ, टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर, टू एक्स स्केयर इज इक्वल वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू आ जाओ। तो ये अपनी की एक्स की वैल्यू है, ठीक है। सो सारे सवाल जो बचे मेन इस तरह की है। सो इस अपना सैकेंड चैप्टर की सैकेंड बी एक्सरसाइज की है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप तुम्हें लैक्चर की समझ आया होगा।